जैन साथियों, भाई जैसा कि आप लोग जानते हो कि जो एक दो को एग्जाम होने है वो पोस्टपोन हो चुका है। उसकी वजह ये बताई गई है कि ये अभी रिवाइज रिजल्ट को देंगे जो कि आपका एक या दो दिन में आ जाएगा। हो सकता है कल शाम तक आ जाए, नहीं तो परसों सुबह भी आ सकता है। उसमें कोई टेंशन लेने की बात नहीं है। अब आपको सभी के मार्क्स किसको सोशियो इकोनॉमिक्स से मिले हैं, किसको नहीं मिले हैं, सबके डिटेल आ जाएगा बिल्कुल। उसके बाद सबकी रैंक आ जाएंगी, भाई कितने बच्चे कितनी लिस्ट में आते हैं। उसके बाद आपको आइडिया आ जाएगा कि आपका आपका नंबर आएगा या नहीं आएगा, आप एग्जाम दे पाओगे नहीं दे पाओगे, एलिजिबल होगा नहीं होगे। अब आपके माइंड में भी मेंस एग्जाम कब से स्टार्ट होगा। मेंस का जो एग्जाम होगा बच्चे, वो अभी भोपाल जी ने बोला है कि मेंस का जो एग्जाम होगा वो हम लोग 15 और 16 के बाद लेंगे। मतलब उन्होंने साफ ये कहा है कि हम सबसे पहले रिजल्ट निकालेंगे, रिवाइज किया जाएगा उसको, और बच्चों को सभी को बताया जाएगा किसको कितने कितने मार्क्स मिलेगा। ठीक है, जब सबको मार्क्स मिल जाएंगे तो उसके बाद ये क्या है, अपना शेड्यूल देंगे। मतलब ये मान के चलो कि 20 के बाद बाद आपके एग्जाम जाएंगे। पहला एग्जाम मुझे लगता है 21 या 22 जुलाई के आसपास होगा। ठीक है, तो 15 के बाद तो 21-22 ही आएगा, तो 21-22 को आपका ANM GNM का, उसके बाद जो आपका होगा 56-57 का, वो 28-29 के आसपास जाने के चांसेस हैं। ठीक है, ये एक आइडिया है, बिल्कुल आपको फाइनल सही बताया गया, बिल्कुल अच्छी न्यूज है। ठीक है, तो मोटिवेट होकर बढ़िया ढंग से अभी से पढ़ना स्टार्ट कीजिए, अच्छे से पढ़िए, कोशिश कीजिए, बहुत बढ़िया लेवल पढ़ने की आपको मौका मिल गया है। अगेन मेहनत कीजिए, कोशिश कीजिए। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच, ओके, जय हिंद।